अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टमक पैथोलॉजी में नेक्स्ट करने जा रहे हैं, ट्यूमर्स ऑफ स्टमक, जो कि हमारे पास होते हैं चार। मैं उनके नाम बताती हूँ पहले आपको। नंबर वन इज़ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, नंबर टू इज़ लिम्फोमा, नंबर थर्ड इज़ कार्सिनोइड ट्यूमर एंड नंबर फोर इज़ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। सबसे पहले अब हम पढ़ने जा रहे हैं गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। अब गैस्ट्रिक एडीनो कार्सिनोमा जो होता है, ये हमारे पास मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी है, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी ऑफ स्टमक है एंड इट इज़ कंज्यूमिंग कंसिस्टिंग ऑफ 90% ऑफ ऑल गैस्ट्रिक कैंसर्स जो होते हैं वो यही होता है। मोस्ट कॉमन इसलिए क्योंकि 90% यही होता है। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स में ये होता है कि जब पेशेंट अर्ली अपीयर करता है तो उसके अर्ली सिम्टम्स में सिर्फ नॉजिया, डिस्पेप्सिया एंड डिस्फेजिया। लेट फाइंडिंग्स में मिलते हैं वेट लॉस, एनोरेक्सिया, ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स, एनीमिया एंड एट लास्ट पेशेंट हैमरेजिक कंडीशन में होगा। अच्छा, अब एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं तो ये कैंसर जो होता है ये डेवलप करता है उन पेशेंट्स में या उन लोगों में जिनमें गैस्ट्रिक एट्रॉफी हो रही हो, एच पाइलोरा इन्फेक्शन हो ड्यू टू देयर लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास। मतलब इनडायरेक्टली इट इज़ रिलेटेड टू सम हाउ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस जिसमें गैस्ट्रिक एट्रोफी भी हो रही होती है और एच पाइलोराई का इन्फेक्शन भी हो रहा होता है। अब पैथोजेनेसिस की जब हम बात करते हैं तो पहले मैंने इंटेस्टाइनल और डिफ्यूज टाइप में इसको डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेन क्लासिफिकेशन। ये एक लॉरेन क्लासिफिकेशन होती है जो कि गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा को दो टाइप्स में, क्योंकि इनके कॉजिटिव एजेंट्स अलग अलग हैं। तो पैथोजेनेसिस की बात करती हूँ मैं। अब इंटेस्टाइनल टाइप कैसे हो रही होती है, इसमें सबसे पहले ये है कि म्यूटेशन ऑफ एडिनोमैटस, पॉलीपोसिस, कोलाय, ए पी सी जीन की म्यूटेशन होगी, जबकि यहाँ पे म्यूटेशन हो रही होती है ऑफ CDH1। CDH1 क्या है, ये बेसिकली एक जीन है जो कि इनकोड कर रहा होता है फॉर ये इनकोड कर रहा होता है फॉर ईकेड्रिन। अब ईकेड्रिन एक प्रोटीन है दैट बाइंड्स फॉर, बल्कि बाइंड्स की जगह अगर हम यूज़ करें कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंट्रासेल्युलर एडहेशंस, एपिथीलियल इंट्रासेल्युलर एडहेशंस एसोसिएटेड विथ फैमिलियल गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। अब क्या होगा कि ईकेड्रिन प्रोटीन जो थी वो एपिथेलियल को एक दूसरे से अटैच करके रखती है, अडहेयर करके रखती है, उसका लॉस हो जाएगा तो उसकी वजह से ये डिफ्यूज टाइप होगी। तो इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ CDH1 जीन, ईकेड्रिन को वो नहीं करेगी और उसकी वजह से ये होगा। अब जबकि इसकी बात करें, यहाँ पे APC जीन की म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। दूसरा एक होती है एक्वायर्ड म्यूटेशन ऑफ बीटा कैटेनिन जो कि प्रोटीन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ ईकेड्रिन एंड APC प्रोटीन बाइंडिंग, इनको बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बी कैटेनिन, उसकी म्यूटेशन हो जाए, या फिर हाइपरमिथाइलेशन ऑफ जीन्स हो जाए। अब उसमें कौन कौन से स्पेसिफिकली जो जीन्स लिखे हुए बुक में, डैट एस टी
GFBR2 एंड बेक्स, इन जीन्स की जो है अगर वो हाइपरमिथाइलेशन हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये इन दोनों की कॉजेज हैं, दैट इज द म्यूटेशन ऑफ द APC जीन एंड म्यूटेशन ऑफ द CDH1 जीन। अब उन दो म्यूटेशंस के अलावा तीसरी ये है कि क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस ड्यू टू एच पाइलोराय, ये भी हमारे पास इंक्रीज्ड रिस्क करवा देता है ऑफ कार्सिनोमा। क्यों? क्योंकि बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइंस। ये साइटोकाइंस को रिलीज करवाता है जिसमें आ जाता है इंटरल्यूकिन 1 बीटा एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, जबकि फोर्थ ये है कि ईप्सटीन बार वायरस जो होता है वो कॉज करवाए। अभी अगर ईप्सटीन बार वायरस की वजह से गैस्ट्रिक कार्सिनोमा डेवलप हो रहा होता है इन ऑलमोस्ट 10% ऑफ द गैस्ट्रिक एडिनोमास, तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि ये प्रॉक्सिमल स्टमक को अफेक्ट कर रहा होता है। मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है प्रॉक्सिमल स्टमक को, और इसके बारे में ये है कि इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो सिमिलर होती है टू द डिफ्यूज टाइप। अब हम फिर मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो अगेन लॉरेन क्लासिफिकेशन की बेसिस पे हमने इसको डिवाइड कर दिया इनटू टू टाइप्स, दैट इज इंटेस्टाइनल एंड डिफ्यूज। अब इसमें क्या होगा कि इंटेस्टाइनल में क्या मिलेगा हमें, बल्की एंड कंपोज्ड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स, और जहाँ पे हमें मिल रहा होता है एक्सोफाइटिक मास। अब ये एक्सोफाइटिक मास क्या होता है? एक्सोफाइटिक मास ये होता है कि कोई भी इस तरीके की एबनॉर्मल ग्रोथ हुई हुई हो और वो टिश्यू सरफेस से अटैच्ड हो। एबनॉर्मल ग्रोथ अटैच्ड टू टिश्यू सरफेस, ये इंटेस्टाइनल टाइप में हमें मिल रहा होगा। और अगर हम बात करें कि इसमें हमें माइक्रोस्कोपिकली कैसा मिलेगा, तो हिस्टोलॉजिकली ऐसे मिलेगा कि ग्लैंडुलर टिश्यू जो होंगे हमारे पास विथ न्योप्लास्टिक सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स उसमें प्रेजेंट होंगे जो कि कंटेन कर रहे होंगे एपिकल म्यूसिन वैक्यूल्स, एपिकल म्यूसिन वैक्यूल्स, ये इनकी हिस्टोपैथोलॉजी होगी। जबकि डिफ्यूज टाइप की बात करें तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। नंबर वन तो ये है कि इन्फ्लेमेटरी ग्रोथ इन फिल्ट्रेटिव ग्रोथ पैटर्न, इसका नाम है लेनाइटिस प्लास्टिक। ये लिनाइटिस प्लास्टिक क्या होता है, ये हमारे पास रिजेम्बल कर रहा होता है टू द लेदर बॉटल। तो सबसे पहले तो इन दोनों में ये डिफरेंस याद रखिएगा, इंटेस्टाइनल में मिलता है एक्सोफाइटिक मास और डिफ्यूज में मिलता है लिनाइटिस प्लास्टिक। और सेकंड चीज इसमें मिल रहा होता है डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन, डेस्मो प्लास्टिक रिएक्शन, जिसमें हो क्या रहा होगा, स्टिफनिंग हो रही होगी ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा। डिफ्यूज या लॉस ऑफ र्यूगल फोल्ड एंड थिकेंड वॉल्स मिलेंगी हमें। जबकि जब हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिकली तो उसमें हमें मिल रहा होगा डीकोहेसिव सेल्स एज सिग्नेंट रिंग अपेयर होंगे। तो
तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले तो ये दो चीज़ें याद रखनी है हमने, एक्सोफाइटिक मास और लेनाइटिस प्लास्टिक, और दूसरा ये कि डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन किस में हो रहा होता है, इन द डिफ्यूज टाइप। और ये डिफ्यूज टाइप की मॉर्फोलॉजी हमें एब्सटेंट बार वायरस में भी मिलती है कि अगर ये कैंसर उसकी वजह से हो रहा है तो इसमें डिफ्यूज टाइप मिलेगा हमें। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है गैस्ट्रिक एडेनोकार्सिनोमा को। अब नेक्स्ट हम बिगिन करते हैं विथ लिम्फोमा।